चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी समसामयिक की घटनाचक्र जो वार्षिकांक आती है ना, ये दृष्टि निकालता है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होता है जिस समय, उसी टाइम ये निकालता है। याद रखिए, यूपीपीसीएस को देखते हुए भली लिखी जाती हो और उसके लिए भली ये निकलती हो, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि सभी एग्जामों में आपका करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। कोई भी एग्जाम हो तो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वा या फिर वन डे एग्जाम हो। ठीक है, आप लोग 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें एक हम लोग बहुत बड़ा हिस्सा लगभग खत्म कर चुके हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, विधिक परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश को भी देख लिया क्योंकि आपका यूपीपीसीएस है ना, और भी वन डे एग्जाम होते हैं, तो वहां के करंट अफेयर्स 2019-20 में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उन्हें देख चुके हैं। फिर आपका संक्षिप्तियां, जैसे जो भी 2019-20 में चर्चित व्यक्ति रहे हैं, चर्चित स्थल रहे हैं, स्थान, देश, आप समझिए कि जितने भी पुरस्कार रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हों फिर चाहे राष्ट्रीय हों, जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, किताबें हो, दुनिया भर का सब कुछ भरा पड़ा था उसमें, उसे भी हम लोग कवर कर चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका खेल परिदृश्य, और याद रखिए इसमें हम लोग जितनी भी क्लासें अभी तक ली हैं हमने, वो समसामयिक की घटनाचक वार्षिकांक के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डली हुई है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं सभी आपकी क्लासों को मर्ज करवाकर एक क्लास उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, और पीडीएफ भी इसकी बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, एक बात और बता दूंगा आपको कि कोशिश रहेगी कि देखिए, खेल परिदृश्य से थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसे 1 से 2 क्लास में, हो सकता है अगर एक में अगर समय समा की मतलब समेट सकता हूं तो समेटूंगा, वरना 2 क्लास में ले आऊंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको। तो चलिए हम बात करते हैं खेल परिदृश्य। इसमें आप क्रिकेट देखेंगे, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल आयोजनों का विवरण देखेंगे। तो प्रमुख आयोजनों की बात करें तो ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, लॉन टेनिस, तो ये स्पर्धा हो गई, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का हो गया, फ्रेंच ओपन 2019, विम्बलडन 2019, यूएस ओपन 2019। तो इसमें देखिए, विजेता याद रखिए आप लोग, वैसे तो आप जितनी आपकी मेमोरी है उतना याद रख सकते हैं, लेकिन विशेषता आपको विजेता याद रखना है और किस में मतलब कहाँ मिला है इसे भी याद रखिए। जैसे पुरुष एकल विजेता की बात करें हम लोग, तो नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, इन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मिला है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। विम्बलडन की बात करें 2019 की, तो नोवाक जोकोविच जोकोविक, ये सर्बिया के हैं। यूएस ओपन 2019 की बात करें तो राफेल नडाल स्पेन के हैं। तो याद रखिए, नोवा ऑस्ट्रेलियन ओपन, और आप देखेंगे विम्बलडन, ये नोवाक जोकोविक को मिला है जो सर्बिया के, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन राफेल नडाल को मिला है, ठीक है, स्पेन के, इसे याद रखना। और विजेताओं की अगर हम बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में रहे हैं आपके डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के, और फ्रेंच ओपन में उपविजेता रहे डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के, ये दोनों एक ही हैं। फिर आपने देखा होगा कि विम्बलडन में रहे हैं रोजर फेडर, ये स्विट्जरलैंड के, और यूएस ओपन में रहे हैं उपविजेता डेनिल मेदवेदेव, ये हैं रूस के। ठीक है, अब महिला की अगर हम बात करें, महिला एकल उपविजेता की, तो सोफिया केनिन अमेरिका की हैं, एसली वार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की है, फ्रेंच ओपन, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर आप देखेंगे विम्बलडन की बात करें तो सिमोना हालेप, ये रोमानिया की है, और यूएस ओपन की बात करें तो बियंका एंडेस्कू, ये कनाडा की है। ठीक है, और विजेता अगर महिलाओं की बात करें तो गार्विनी मुगुरुजा स्पेन की है, मार्केता बोंद्रोउस्तोवा ये चेक गणराज्य, सेरेना विलियम्स अमेरिका, सेरेना विलियम्स अमेरिका, ठीक है, ये उपविजेता है। अगर हम पुरुष पुरुष युगल विजेता की बात करें तो राजीव राम अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, और ये अमेरिका के हैं, जोए सोलिसवरी ये यूके के हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो केविन क्राउवी क्राउवी और आंदियास मियस, ये दोनों जर्मनी के हैं। अगर विम्बलडन की बात करें विजेताओं की पुरुष युगल में, तो जुआन सेबास्टियन कबाल और रॉबर्ट फरार, दोनों कोलंबिया के हैं। अगर यूएस ओपन 2019 की अगर हम लोग पुरुष युगल में बात करें, तो जुआन सेवास्टियन कबाल और रॉबर्ट फरार, दोनों ये कोलंबिया के, कहाँ के, कोलंबा के। अगर हम उपविजेताओं की बात करें तो इसमें आप देखेंगे उपविजेता कौन है,
मैक्स ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ठीक है। तो इसमें आपके मैक्स पुरसेल एवं ल्यूक सोबिले दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अगर हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें जेरेमी चार्डी और फैब्रिस मार्टी दोनों फ्रांस के हैं। अगर हम विंबलडन बात करें तो निकोलस माहूत और एडवर्ड रोजर वेसेली ये दोनों फ्रांस के हैं। अगर हम यूएस ओपन 2019 की उपविजेताओं की बात करें पुरुष युगल में तो मार्सेल ग्रेनुलर स्पेन के, होरासियो जेवालोस अर्जेंटीना के। महिला उपविजेता की बात करें अगर हम लोग तो इसमें महिला युगल विजेता की तो तिमेया बाबोस हंगरी की है, क्रिस्टीना मिलाडेनोविक फ्रांस की है। ये इन्हें क्या मिला है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन 2019 की अगर बात करें महिला युगल विजेता में तो तिमेया बाबोस हंगरी की है और क्रिस्टीना मिलाडे नोविक ये फ्रांस की है, ठीक है। अगर हम इसी में अगर विंबलडन की बात करेंगे इसमें महिला युगल विजेता में तो सी सु बेई चीनी ताइपे की है और बारबोरा स्टाइकोवा चेक गणराज्य की है, ठीक है। अब आप बात करेंगे देखिए यूएस ओपन 2019 की तो इसमें महिला युगल विजेता की बात करें तो एलिस मार्टेंस बेल्जियम की है, एरिना सावालेंका ये बेलारूस की है। और विजेताओं की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में आपका 2020 में देखने को मिलेगी सी सु बेई वेई एक चीनी ताइपे की है और बार बोरा स्टाइकोबा चेक गणराज्य की, ये उप विजेता है। डुआन इंग 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 और झेंग साई साई ये दोनों चीन की हैं, ठीक है। ये आपकी किसमें फ्रेंच ओपन 2019 में उप विजेता रही है महिला युगल विजेता में। और अगर हम विंबलडन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे गेबेला डाब्रोवस्की ये कनाडा की और झू ईफान ये चीन की, ठीक है। और अगर हम लोग यूएस ओपन की बात करें 2019 तो विक्टोरिया अजारेंका ये बेलारूस और एसले वार्टी ये ऑस्ट्रेलिया। अगर हम मिश्रित युगल विजेता की बात करें तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में देखने को मिलेगा बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य और निकोला मैक्टिक एक क्रोएशिया की। अगर हम लोग फ्रेंच ओपन 2019 की बात करें तो लतीसा चांद चीनी ताइपे और इवान डोडेक एक क्रोएशिया की है, ठीक है। अगर विंबलडन की बात करें तो इवान डोडेक क्रोएशिया और लतीसा चांद चीनी ताइपे। अगर हम यूएस ओपन 2019 की बात करें इसमें मिश्रित युगल विजेता तो बेथनी माटेक सेंटस ये आपकी अमेरिका, जेमी मरे बेटेन उप विजेता। अगर हम लोग मिश्रित युगल विजेता में बात करें तो उप विजेता रही है कौन? बेनी मार्टेक सैंड्स ये अमेरिका, जेमी मरे बेटे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा हूं 2020 की। फ्रेंच ओपन 2020 की बात करें तो इसमें उप विजेता रही है गरेबेला डावोवस्की कनाडा, मैट पाविक क्रोएशिया। अगर हम विंबलडन 2019 की बात करें तो इसमें मिश्रित युगल उप विजेता रही है रॉबर्ट लैंड टेड स्टेड और स्वीडन और एलेना ओस्टापेंको लाटविया। अगर हम इसमें अगर बात करें यूएस ओपन 2019 की तो चान हाओ चिंग चीनी ताइपे और माइकल बीनस न्यूजीलैंड। इसमें देखिए आप लोग कहेंगे कि इतने सर याद रख पाना मुश्किल है। देखिए आप लोगों के ही लिए नहीं, हर किसी के लिए इन्हें याद रख पाना मुश्किल होता है, हर चीज याद नहीं रख पाते हैं। तो एक इसमें स्मार्ट रणनीति होती है। क्या रणनीति होती है आप लोगों को देखिए, टॉप जो आप देखेंगे यही अधिकतर बार आपको क्वेश्चंस पूछने को मिलेंगे। इसीलिए तो कहता हूं कि 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता की पूछ रहा है तो नोवाक जोकोविच ये सर्बिया की, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल स्पेन की, विंबलडन 2019 में नोवाक जोकोविक सर्बिया, यूएस ओपन 2019 में राफेल नडाल स्पेन की। तो पहले को याद रखना है पुरुष एकल विजेता में और महिला एकल विजेता में याद रखना है। किसे मिला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020? सोफिया केनिन अमेरिका, एसले वार्टी ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच ओपन मिला है, सिमोना हालेप रोमानिया विंबलडन मिला है, बियंका एंड्रीस्कू कनाडा। इन्हीं से क्वेश्चंस हमेशा पूछने को मिलते रहे। और वैसे आप लोग सभी पर नजर डाल थोड़ी डाल अच्छी से, मतलब ऐसा नहीं कि आप देखिए क्या करते हैं कि हम लोग अगर किसी आप किसी मूवी को देखते हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे की रहती तो एक एक सीन आपको याद रहता है, आप रखते नहीं है वहां।
क्योंकि आप अच्छी नजर से देख रहे होते, पूरा ध्यान आपका वहीं होता है, तो ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। अगर पूछ लेता है फिर भी, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कम से कम सॉल्व कर तो पाए, उस स्थिति में तो रहे। और इन्हें 6 को रट लीजिए, 8 को, और बाकी 8 को क्या रटना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विम्बलडन एक व्यक्ति को मिले हैं, नोवाक जोकोविक सर्बिया के, फ्रेंच और यूएस ये दोनों मिले हैं राफेल नडाल को, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए आप लोग। चलते हैं आगे हम लोग, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बारे में कुछ मुख्य तथ्य भी हैं। जोकोविक ने रिकॉर्ड 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, तो ये भी पॉइंट याद रखिए। रॉजर फेडर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में एकल मुकाबले में अपनी 100वीं जीत दर्ज की, और ऐसा करने वाले वे विश्व के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए। सोफिया केनिन ने महिला एकल वर्ग में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें, अगर 2019 में हुआ था, अभी इसके कोई आंकड़े नहीं है ना। एशले वार्टी का यह पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था, और वार्टी वर्ष 1973 में मार्गेट कोर्ट के बाद से फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी बन गई। नडाल का यह रिकॉर्ड 12वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब था, और इसके साथ ही नडाल एक ही ग्रैंड स्लैम 12 बार जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए, ठीक है। अगर हम एक यूएस ओपन की बात कर लेते हैं 2019 का, तो यह पुरुष एकल में राफेल नडाल द्वारा विजित कुल 19 बार ग्रैंड स्लैम और चौथा यूएस ओपन खिताब है। 19 वर्षीय बेंका कोई ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली कनाडा की पहली टेनिस खिलाड़ी बनी। विम्बलडन 2020 की बात करें, तो ऑल इंग्लैंड क्लब द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते सुरक्षा कारणों से यह प्रतियोगिता स्थगित करने की घोषणा की गई है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को रद्द किया गया, तो ये भी पॉइंट याद रखिए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी रोका गया था, इसे रद्द किया गया था। इस प्रतियोगिता के अगले संस्करण का आयोजन अब 28 जून से 11 जुलाई 2021 के मध्य होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के बारे में। देखिए, एक तरह से फिजिकल रूप से उपलब्ध हो पाना इस बार मुश्किल था। आप लोग भी देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना महामारी, तो इसके कारण जो भी बहुत कुछ नहीं हो पाया इस बार। पहले संस्करण का आयोजन कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एंड स्टील टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ है। पहले संस्करण का आयोजन कब हुआ है, 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 की बात है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाला यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इन खेलों में देश भर के 149 विश्वविद्यालयों के 3,343 एथलीट ने 17 खेलों की विभिन्न स्पर्धा में भाग लिया। तो याद रखिए 17 खेल थी, और कितने विश्वविद्यालयों से, 159, कितने छात्र थे, एक तरह से कितने एथलीट से, इसमें आप देखेंगे 3,343। भुवनेश्वर के अलावा कटक में भी इस खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। इन खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 17 स्वर्ण और आप देखेंगे 19 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल 46 पदक जीतकर पदक तालिका में टॉप पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर, ठीक है। कुल 46, जिनमें से आप 17 स्वर्ण देखेंगे, 19 रजत और 10 कांस्य देखेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र ने 17 स्वर्ण 11 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 37 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ने 13 स्वर्ण 6 रजत और 14 कांस्य पदिका पदकों सहित कुल 33 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तैराक साध्वी धुरी सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और सिद्धांत सेजवाल पंजाब विश्वविद्यालय, इन खेलों में सबसे सफल एथलीट दोनों को कुल 5-5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे 13वीं दक्षिण एशियाई खेलों की बात कर लेते हैं। 13वीं दक्षिण एशियाई खेल काठमांडू एवं पोखरा नेपाल में संपन्न हुए, कब, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2019 के बीच। यह तीसरा अवसर है जब नेपाल द्वारा दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की गई, ठीक है। ये कौन सा अवसर है, तीसरा, इससे पहले 2 बार कर चुका है। इससे पूर्व आप देखेंगे 1984 में प्रथम दक्षिण एशियाई खेल तथा वर्ष 1999 में इन खेलों का आयोजन किया गया था नेपाल ने, ठीक है, 1984, 1999, 2019 में।
तो इसमें शुभंकर क्या रहा है, काला हिरण, क्या है, ब्लैक बक इसमें शुभंकर रहा है। 13वीं दक्षिण एशियाई खेलों में भारत 173 स्वर्ण, 93 रजत और 45 कांस्य पदक सहित कुल 311 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि टॉप पर रहे हैं। दक्षिण एशियाई खेलों के इतिहास में प्राप्त हुए पदकों की दृष्टि से यह भारत का एक नया रिकॉर्ड है। 2016 में 309 पदक जीते थे, इस बार कितने आपके 311, कितने 311, और टॉप पर हम लोग रहे हैं। ये आपके नीचे पदक तालिका दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं भारत 173 स्वर्ण जीते हैं, 93 आपका रजत और 45 कांस्य, और 311 आपके टोटल है। नेपाल दूसरे नंबर पर आए, 51 स्वर्ण, रजत 60, कांस्य 95 और 206 कुल। श्रीलंका की बात करें तो 40 स्वर्ण, 83 रजत, 128 कांस्य और 251 कुल। पाकिस्तान की बात करें चौथे नंबर पर आए, 32 स्वर्ण, 41 रजत और 59 आपका कांस्य, 132 कुल। बांग्लादेश की बात करें तो 19, बांग्लादेश ने आपने 19 स्वर्ण, 32 रजत, 87 कांस्य, 138 आपके क्या जीते हैं टोटल। ठीक है, तो याद रखना पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर नेपाल, तीसरे पर श्रीलंका, चौथे पर आपका पाकिस्तान और पांचवे पर बांग्लादेश। अगर भारत से पूछा जाएगा तो देखिए भारत के बारे में सभी याद रखिए, कितने पद स्वर्ण मिले हैं, रजत कांस्य, ठीक है, टोटल कितने। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में नेपाल की अंजलि चंद ने मालदीव के विरुद्ध खेले गए महिला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बिना कोई रन दिए 6 विकेट हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आप महिलाओं को, लड़कियों को कम मत समझिएगा, ठीक है। अभी आप लोग टॉपरों की लिस्ट उठा के देखिए, यूपीएससी हो फिर चाहे पीसीएस हो। 2021 में 14वीं दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी किसने किया है, नेपाल ने, और अगले आने वाले 14 की कौन करेगा, पाकिस्तान, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019। IAAF द्वारा आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 17वां, किस नंबर का, 17वां संस्करण दोहा कतर में संपन्न हुआ है, 27 सितंबर से 6 अक्टूबर 2019 के मध्य। दोहा मध्य पूर्व का प्रथम शहर है जिसने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। शुभंकर क्या लाए, फला रहा है, फला है, ठीक है। फला एक वॉलेट बाज है जो क्या है, जो आपका जो कतर के ध्वज ध्वज में शामिल मरून रंग का परिधान धारण किए हुए है। तो ये शुभंकर को जरूर याद रखिए, ठीक है। पदक तालिका में 33 देशों की बात करें तो अमेरिका इसमें 14 स्वर्ण जीते हैं, 11 रजत, 4 कांस्य, 29 टोटल है। कैन्या की बात करें 5 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य और 11 टोटल है। अगर हम जमैका की बात करें तो 3 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य, 12 टोटल रहे। मेजबान कतर देश की बात करें, अब देखिए जिस देश में हुआ उसकी भी स्थिति हमें देख लेनी चाहिए। तो 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतकर 16वें स्थान पर रहा है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर केन्या, तीसरे पर जमैका, और आपका जो मेजबान देश था कतर, ये आपका 16वें नंबर पर है। अब आप पूछेंगे भारत की स्थिति क्या रही, भारत का सदस्यीय एथलीट दल इस चैंपियनशिप में कोई पदक प्राप्त नहीं कर सका, यानी कि हमारी स्थिति और बुरी रही है, हम लोगों ने एक भी कोई पदक नहीं जीत पाया। चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा अमेरिका के क्रिश्चियन कोलमैन 9.76 सेकंड में जीती। तो इसमें एक पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिए, 27 हमारे तरफ से भाग लिया था लेकिन एक भी नहीं जीत पाए। चैंपियनशिप ने में पुर्तगाल के जुआवो बेरा कोई पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट, 43 वर्ष के हैं। बेरा ने पुरुषों की 50 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। IAAF विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में स्पेन की जीसस एंजेल गार्सिया 50 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सबसे उम्रदराज, इनकी उम्र है 49 वर्ष, ये बने, ठीक है। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में अमेरिका की एथलीट दाली लाह मोहम्मद ने स्वर्ण पदक जीता और इस स्पर्धा में 52.16 सेकंड के साथ नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। तो भारत को कोई भी इसमें स्वर्ण नहीं मिला है, यानी कि भारत की स्थिति सबसे बुरी रही। चैंपियनशिप में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में ब्रिटेन की डीना एसर स्मिथ ने 21.88 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ वह इस स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली ब्रिटिश महिला एथलीट बन गई। 400 इंटू
माफ करिए, 4 × 400 यानी 4 × 400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका ने अपने नाम किया है। अमेरिकी टीम में महिला धावक एलिसन फेलिक्स ने शामिल थी इसमें। फेलिक्स का यह कुल 12वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है। इसी के साथ फेलिक्स ने जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में 11 स्वर्ण पदक जीतने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्हें जो उसेन बोल्ट थे इन्हें कितने 11 मिली थी, लेकिन जो फेलिक्स है इनका 12वां पूरा हो चुका है। चैंपियनशिप के प्रमुख परिणामों की बात करें तो इस प्रकार है। 100 मीटर दौड़ में पुरुष विजेता की बात करें तो क्रिस्टियन कोलमैन अमेरिका के। महिला विजेता की बात करें तो सैली एन फ्रेजर प्राइज जमैका। 200 मीटर दौड़ की बात करें तो नो लाइन्स लाइल्स अमेरिका। डीना एसर स्मिथ की बात करें तो ये ब्रिटेन की है। 400 मीटर दौड़ की बात करें तो स्टीवन गार्डिनर बहामास। सालवाई नासिर बहरीन की है। ठीक है, देखिए 2019 के मुझे लगता है याद रखना है आपको, क्योंकि आपने देखा है कि 2020 में कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है कोरोना महामारी के कारण, तो इसलिए 2019 के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। आगामी खेल आयोजन की बात करें हम लोग तो प्रतियोगिता और स्थल हो गए। क्रिकेट की बात करें 7वां पुरुष आईसीसी 2020 विश्व कप 2021 भारत में, 8वां महिला 20 विश्व कप 2022 में होगा, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। 7वां पुरुष आईसीसी 2020 विश्व कप 2021 में कहां होगा, भारत। 8वां महिला 2020 विश्व कप 2022 में कहां होगा, दक्षिण अफ्रीका। 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में कहां होगा, भारत में। 8वां पुरुष आईसीसी 2020 विश्व कप 2022 में कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया। 12वां महिला आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 में कहां होगा, न्यूजीलैंड में। फुटबॉल की बात करें तो फीफा U17 महिला विश्व कप 2021 कहां होगा, भारत में, अंडर 17। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहां होगा, 2022 में, कतर में। ये भारत को जरूर याद रखिए, फीफा U17 महिला विश्व कप 2021 भारत में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। हॉकी की अगर बात करें तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में होगा, भारत में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 में होगा, स्पेन और नीदरलैंड में, नीदरलैंड्स में। ठीक है, आप देखेंगे प्रतियोगिताएं भी है, स्थल विविध। ठीक है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में टोक्यो जापान में होंगे। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 टोक्यो जापान में होंगे। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में होंगे। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। तो इन तीनों को याद रख लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ लेता है। आप सोचिए 2028 तक के कौन पूछता है। तो 32वां कहां होगा, टोक्यो जापान। 33वां पेरिस फ्रांस। 34वां लॉस एंजल्स अमेरिका। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग चीन में होगा। 19वें एशियाई खेल 2022 में हांगझोउ चीन में। चौथा एशियन पैरा खेल 2022 में हांगझोउ चीन। 20वें एशियाई खेल 2026 नगोया जापान। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंगम यूके। मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुष 2021 बेलग्रेड सर्बिया। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2021 पाकिस्तान। रग्बी पुरुष विश्व कप ए आपका होगा कहां, फ्रांस में 2023 में। 19वीं विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2020-2022 ए जापान में होगी। तो इन्हीं से मुझे लगता है क्वेश्चंस आपके पूछने की संभावना है, तो इन्हें याद रखिए। फिर आप देख लेते हैं टेनिस, टेनिस को भी देख लेते हैं इसमें क्या हाल रहा है टेनिस। तो टेनिस प्रतियोगिता है वर्ष 2020 की, पुरुष एकल विजेता है, विजेता उपविजेता और महिला एकल विजेता। इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट याद रखना हो, शुरू के मैं तो कहता हूँ कुछ ही याद रखिए, बाकी सभी को याद रखवाना मुझे लगता है मुश्किल है। तो इसमें क्या देखेंगे, वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन। तो इसमें आप देखेंगे विजेता कौन रहे, नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं, सर्बिया के। उपविजेता मिलोस राओनिक कनाडा। विजेता अगर महिलाओं की बात करें तो विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस, और विजेता की बात करें तो नाओमी ओसाका जापान। प्रयाग ओपन की बात करें तो स्टैन वारिका स्विट्जरलैंड, और विजेता की बात करें तो असलन कारत्सेव रूस।
और विजेता अगर महिलाओं की बात करें तो सिमोना हालेप रोमानिया, और अगर उपविजेता की बात करें तो एलिस मार्टेस बेल्जियम। लेडीज टॉप सीड ओपन की बात करें तो इसमें महिलाओं की बात कर लेते हैं, देखिए पुरुष तो दिए नहीं है, जेनिफर ब्रैडी अमेरिका के, जिल टिच मै टैचमैन स्विट्जरलैंड, ये उपविजेता रही है, विजेता एवेटो एवर्टो इवेटो मेक्सिको ओपन। तो राफेल नडाल स्पेन के इसमें विजेता रहे हैं, पुरुषों में टेलर फिट्स फिट्ज ये अमेरिका के उपविजेता रहे। महिलाओं की बात करें तो हीथर वॉटसन इसमें ब्रिटेन की विजेता रही हैं। उपविजेता की बात करें तो ले लाए एनी फर्नांडिज ये कनाडा की हैं, उपविजेता रही हैं। कतर ओपन की बात कर लें तो इसमें आप देखेंगे महिलाओं की बात कर लेते हैं तो एरिना सबालेंका बेलारूस की विजेता और पेत्रा क्वेतोवा चेक गणराज्य की उपविजेता रही हैं। दुबई टेनिस चैंपियनशिप इसमें देखेंगे नोवाक जोकोविक सर्बिया के उपविजेता रहे हैं, और उपविजेता पुरुषों में बात करें तो स्टेफानोस सिपास ग्रीस के उपविजेता रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो सिमोना हालेप रोमानिया की हैं, ये विजेता रही है महिलाओं में, और एलेना रेवाकीना एक कजाकिस्तान की हैं, उपविजेता रही हैं। सेंट पीटर्सबर्ग इसमें बात लेडीज ट्रॉफी तो इसमें आप देखेंगे किकी वर्टेज नीदरलैंड की विजेता है महिला, और एलेना रिबाकीना कजाकिस्तान की उप विजेता है। महाराष्ट्र ओपन की बात करें तो जी इसमें पुरुषों में बात करें तो जीरी वेस्ले चेक गणराज्य के हैं, इगोर गेरासिमो बेलारूस। एडिलेड इंटरनेशनल तो इसमें आप देखेंगे विजेता रहे हैं पुरुष में आंद्रे रोबलेव रूस के हैं, और उप विजेता रहे हैं लॉयड हैरिस दक्षिण अफ्रीका के। महिलाओं की बात करें तो एस्ली बार्टी ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता डायना एस्टी मास्का यूके। ऑकलैंड ओपन की बात करें तो इसमें महिलाओं की बात कर लेते हैं, सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, विजेता रही हैं, जेसिका पेगुला अमेरिका की हैं। कतर ओपन की बात करें तो आंद्रे रूबलेव लेव आपके हैं रूस के, ये पुरुषों में विजेता रहे हैं। कोरेंटिन मोटेड ये फ्रांस के हैं, उपविजेता रहे हैं। ब्रेस्ट बैन इंटरनेशनल ये आप देखेंगे इसमें महिलाओं की बात करें कैरोलिना प्रिलेस्कोवा चेक गणराज्य की विजेता रही, मेडिसन क्रीज ये अमेरिका की उपविजेता। सैन सैन जैन ओपन तो इसमें महिलाओं की ऊपर विजेता रही हैं एकातीरिना अलेक्जेंडोवा रूस, और एलिना रिबाकीना कजाकिस्तान की उपविजेता रही हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से थोड़ा याद रख लीजिए। टेनिस प्रतियोगिता 2019 की अगर बात करें तो बेना ओपन डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया की विजेता, इसमें पुरुषों की बात कर रहा हूँ, डेगो स्वार्ट स्वार्टरमैन अर्जेंटीना के उपविजेता। स्विस एंडोर वासेल इसमें रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के विजेता रहे, एलेक्स डी मेडोर ऑस्ट्रेलिया के उपविजेता। WTA एलिट ट्रॉफी तो इसमें महिलाओं की बात करें, एरिना सवालिंका बेलारूस की विजेता रही हैं, किकी वर्डिस नीदरलैंड की उपविजेता रही हैं। यूरोपियन ओपन की बात करें तो एंडी मरे ब्रिटेन के विजेता रहे, स्टैन वावरिका स्विट्जरलैंड के उपविजेता रहे पुरुषों में। ठीक है, क्रमलिन लिन कप आंद्रे रूबलेव रूस के विजेता रहे हैं पुरुषों में, एड्रियन एड्रियन मन्ना रेनो फ्रांस के उपविजेता रहे हैं। महिलाओं में बात करें तो बिलिंडा ब्रेंसिस स्विट्जरलैंड की विजेता रही हैं, अनास्ता अनास्तासिया पाविलियो चेंकुआ रूस की उपविजेता रहे हैं। रोलेक्स शंघाई मास्टर्स की बात करें तो डेनिल मेदवेदेव रूस के विजेता रहे हैं पुरुषों में, अलेक्जेंडर ज्योरेव ये जर्मनी के उपविजेता, राकूतेन जापान ओपन की तो नोवाक जोकोविक ये सर्बिया के विजेता रहे हैं, जॉन मिलमैन ऑस्ट्रेलिया के उपविजेता रहे हैं। चाइना ओपन की बात करें तो डोमिनिक डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के ये विजेता रहे हैं पुरुषों में, स्टेफानोस सिद सिपास ग्रीस के उपविजेता। महिलाओं में बात करूं तो नाओमी ओसाका जापान की विजेता रही हैं, एसली बार्टी ऑस्ट्रेलिया की उपविजेता रही हैं। टोरे पेन पैसिफिक इसमें आप देखेंगे ओपन में तो महिलाओं में नाओमी ओसाका इसमें विजेता रही हैं, और अना अनास्तासिया ए पावलियो चेंकोवा रूस की उपविजेता रही हैं। ठीक है, बड़े अजीब नाम हैं तो याद रखिए, बड़ा मतलब एक तरह से आप सोचिए किस तरह से नाम रखता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हमें आपको तो याद रखना ही होगा। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खेल परिणाम की, तो टेनिस खेल की बात करता हूं। पी एस डी बैंक नॉर्ड नॉर्ड ओपन 2020
तो जर्मनी में संपन्न हुआ है, जून 2020 में संपन्न हुआ है। पुरुष एकल विजेता में कौन रहे हैं? सुमित नागल भारत में रहे हैं, भारत की हैं। उपविजेता की बात करें तो डेनियल मसूर जर्मनी के। एक बात और याद रखिए, इस तरह की याद रखना है आपको, जिसमें भारत के विजेता रहे हो, विजेता रहे हो, ठीक है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो PSD बैंक नॉर्ड ओपन कहाँ हुआ 2020 का? जर्मनी में हुआ है। इसमें पुरुष एकल में विजेता कौन रहे? सुमित नागल भारत के, हमारे उपविजेता डेनियल मसूर जर्मनी के। नॉन थावारी टेनिस टूर्नामेंट 2020 थाईलैंड में संपन्न हुआ है 27 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के बाद। प्रतियोगिता के परिणाम की मैं बात करें तो महिला एकल में अंकिता रैना अच्छी बात है भारत की है, और विजेता किलो फैक्यू एट फ्रांस की है। महिला युगल विजेता में बात करें तो अंकिता रैना भारत की, और बिबियाने सोप्स नीदरलैंड की। तो अंकिता रैना को याद रखे, नॉन थावरी टेनिस टूर्नामेंट 2020 का परिणाम है। होबार्ट इंटरनेशनल 2020 2020, तो होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है 13 से 18 जनवरी 2020 के मध्य हुआ था। प्रतियोगिता के परिणाम की बात करें तो महिला युगल में नादिया किचेनोव यूक्रेन की विजेता रही, सानिया मिर्जा भारत की भी शामिल है, तो इन्हें भी याद रखिए। और विजेता की बात करें तो पिंग सुआई और झांग सुआई दोनों चीन की उपविजेता रही। कतर ओपन की बात करें 2020 की, तो दोहा कतर में संपन्न हुआ है 6 से 11 जनवरी 2020 के मध्य। प्रतियोगिता में बात करें तो पुरुष एकल में रहे हैं आंद्रे रूबलेव रूस के विजेता रहे, विजेता रहे क्वारंटीन क्वारंटीन मुटेट फ्रांस के। पुरुष एक युगल में बात करें तो रोहन बोपन्ना ये भारत के, इन्हें जरूर याद रखिए। वैसले कूलहॉफ नीदरलैंड्स के। और विजेता की बात करें लियू बेम्ब्रिज यूके, और सेंटियागो गोंजा लेज मैक्सिको के। ATP कप 2020 की बात करें तो प्रथम संस्करण ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में संपन्न किया गया, ये 3 से 12 जनवरी 2020 के मध्य हुआ। विजेता की बात करें तो सर्बिया 2-1 से विजेता बना है, उपविजेता की बात करें स्पेन रहा है। डेविस कप 2019 108वें संस्करण का फाइनल मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ है, ये आपका 24 नवंबर की बात है, कब की? 24 नवंबर की। विजेता स्पेन रहा है 2-0 से, छठा खिताब है विजेता स्पेन का, और उपविजेता कनाडा। फेड कप 2019 की बात करें तो 57 संस्करण का फाइनल पर्थ ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है 9 से 10 नवंबर 2019 के मध्य। विजेता रहा है फ्रांस, तीसरा खिताब है फ्रांस का, वो विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया। WTA फाइनल्स 2019 तो अक्टूबर नवंबर 2019 में संपन्न हुआ है। महिला एकल विजेता रहे हैं एसली वार्टी ऑस्ट्रेलिया की, महिला युगल विजेता रहे हैं तिमेया बाबोस हंगरी, और क्रिस्टीना मिलार्डी नोविक फ्रांस की। ATP फाइनल्स में लंदन यूके में संपन्न हुआ है 10 से 17 नवंबर 2019 के मध्य। पुरुष एकल विजेता में रहे स्टेफानोस सित्सिपास ग्रीस के। पुरुष एकल विजेता में पेरे ह्यूजेस हवर्ड निकोलस महत दोनों फ्रांस के। लेवर कप 2019 की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है। आपको याद रखना है कि 22 सितंबर 2019 के मध्य हुआ है। देखिए डेट नहीं पूछा जाता है, इसमें यही पूछेगा कि लेवर कप कहाँ हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें विजेता कौन रहे? टीम यूरो, और उपविजेता टीम वर्ल्ड। या तो विजेता पूछा जाएगा या इससे आपका पूछ लेगा कहाँ हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। सेंट पीटर्सबर्ग ओपन 2019 तो रूस में संपन्न हुआ, ये 16 से आपका 22 सितंबर 2019 के मध्य। पुरुष एकल विजेता की बात करें तो डेनिल मेदवेदेव रूस के हैं, वर्ना कोरिक क्रोएशिया के। पुरुष युगल में बात करें तो विजेता दिविज शरण भारत की, जरूर याद रखें, और इगोर जेलिने स्लोवाकिया। वो विजेता की बात करें तो मैटियो वर्टिनी और सिमोन बोलेली दोनों इटली के, ठीक है। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ आपके पॉइंट देख लेते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 तो IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE में कराए जाने का निर्णय लिया गया 2 अगस्त 2020 की बात है। देखिए एक पॉइंट इसमें जरूर याद रखिए, कौन सा ये किस नंबर का संस्करण है? 13वें नंबर का। कहाँ आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात UAE में, ठीक है, यही पूछेगा आपसे। IPL 2020 का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के मध्य होगा, प्रस्तावित है। प्रतियोगिता के मैच दुबई शारजहां अबू धाबी में खेले जाएंगे, इन्हें भी याद रखिए। महिला T20 चैलेंजर के आयोजन की अनुमति प्राप्त हो गई है। ड्रीम 11 इस वर्ष IPL का प्रायोजक होगा, अन अकेडमी इस वर्ष IPL का आधिकारिक भागीदार होगा। अनअकैडमी आप लोग सुनते भी होंगे ना, लेकिन गजब यार, मतलब आप सोचिए कि गजब, उस पर टीचर भी हैं, ठीक है। इंग्लैंड आयरलैंड एक दिवसीय श्रृंखला,
इंग्लैंड आयरलैंड के मध्य 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई है 30 जुलाई से 4 अगस्त 2020 के मध्य। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम किए। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड विली इंग्लैंड को मिला है। श्रृंखला के तीसरे मैच में आयरलैंड ने इंग्लैंड द्वारा जीत के लिए दिए गए 319 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इसी मैच में इंग्लैंड के कप्तान ओयन मोर्गन ने 4 छक्के जड़कर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर था, जिन्होंने बतौर कप्तान 211 छक्के लगाए थे छक्के। चलिए अगला है वेस्ट इंडीज टीम का इंग्लैंड दौरा। वेस्ट इंडीज टीम का इंग्लैंड दौरा, तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मध्य 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई है 8 से 28 जुलाई 2020 के मध्य। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 2-1 से पराजित कर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड की ओर से पहले टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने कप्तानी की और बतौर कप्तान यह उनका पहला टेस्ट मैच भी है। इस श्रृंखला के अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रैथवेट को टेस्ट क्रिकेट में अपना 500वां शिकार बनाया। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने के मामले में स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के दूसरे तथा विश्व के 7वें गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक 600 विकेट लिए। श्रृंखला में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड एवं वेस्ट इंडीज के रोस्टन चेज को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया। आईसीसी अंतरिम विनियमन परिवर्तन को मंजूरी दी गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने खेल के नियमों में अंतरिम बदलाव की पुष्टि की है, जिसमें गेंद को चमकाने के लिए लाल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। 8 जून 2020 को यह नियम आया हुआ है। साथ ही आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाओं में घरेलू अंपायरों को भी अनुमति प्रदान की है। आईसीसी की मुख्य कार्यकारी समिति ने अनिल कुंबले की अगुवाई वाली क्रिकेट समिति की सिफारिशों की पुष्टि की है। इन सिफारिशों का उद्देश्य कोविड-19 जनित परिस्थितियों में क्रिकेट के पुनः प्रारंभ होने पर खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कोरोना वायरस के खतरे को कम करना है एक तरह से, इसलिए ये बात की गई है। फिर आप देख ले क्या है इसे भी देख लेते हैं। समिति ने टीमों को टेस्ट मैचों के दौरान कोविड-19 के लक्षण वाले खिलाड़ियों की प्रतिस्थापन की भी अनुमति दी है। हालांकि कोविड-19 प्रतिस्थापन के लिए स्थापित यह नियम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एवं T20 मैचों में लागू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट दिए गए। आईपीएल 2020 खिलाड़ियों की नीलामी की बात कर लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 13वें संस्करण हेतु खिलाड़ियों की नीलामी कोलकाता में संपन्न हुई है। ये 19 दिसंबर 2019 को हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस इस वर्ष नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कमिंस को नीलामी में 15.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। कितना? 15.5 करोड़। याद रहे कि कमिंग्स आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं और नीलामी में भारतीय खिलाड़ियों में पीयूष चावला सबसे महंगे बने हैं। चावला को 6.75 करोड़ रुपए की बोली लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। इस वर्ष 3 सर्वाधिक महंगे खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी पैट कमिंस 15.5 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल है। ग्लेन मैक्सवेल 10.75 करोड़ किंग्स इलेवन पंजाब में शामिल है। क्रिस मॉरिस 10 करोड़ रॉयल चैलेंजर्स में ये शामिल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी 2019-20। तो 86वां संस्करण संपन्न हुआ है 9 दिसंबर 2019 से 13 मार्च 2019-2020 के बाद। प्रतिभागी टीमों की बात करें तो 38वीं चंडीगढ़ ने पहली बार प्रतिभाग किया इसमें। चंडीगढ़ ने पहली बार इसमें शामिल हुई। विजेता की बात करें सौराष्ट्र पहला खिताब और प्रथम पारी में बढ़त के आधार पर बढ़ो, और विजेता की बात करें तो बंगाल रहा है। ठीक है, और फाइनल का मैन ऑफ द मैच अर्पित वसावदा सौराष्ट्र को मिला है। ठीक है, आईसीसी महिला की T20 विश्व कप 2020 की बात करें तो 7वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के मध्य। प्रतिभागी टीमों की बात करें 10 और प्रतिभागी परिणाम की ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है 5वां खिताब है और विजेता भारत रहा है हमारा। प्लेयर ऑफ द सीरीज बैथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बैथ मुनी 259 रन ऑस्ट्रेलिया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट मैगन शट 13 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिए। ठीक है, और डीवाई पाटिल T20 कप 2020, तो ये 16वां संस्करण मुंबई में संपन्न हुआ है। ये आपका 24 फरवरी से 6 मार्च 2020 के मध्य हुआ है और विजेता रहे इंडियन ऑयल और उपविजेता रहे रिलायंस वन। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हार्दिक पांड्या रिलायंस को मिला है। ठीक है, हार्दिक पांड्या आप लोग जानते हैं। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड महिला
त्रिकोणीय T20 श्रृंखला 2020 हुई है, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई है 31 जनवरी से 12 फरवरी 2020 के मध्य हुई है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने भारत को 11 रनों से पराजित कर श्रृंखला जीत ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज बेथ मुनिक ऑस्ट्रेलिया, और श्रृंखला में सर्वाधिक रन स्मृति मंदाना भारत को 216 रन मिले। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट राजेश्वरी गायकवाड़ भारत को 10 विकेट मिले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 की। तो 13वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में संपन्न हुआ 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के मध्य। तो ये 13वां संस्करण है और दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में संपन्न हुआ है। विजेता कौन रहा है? बांग्लादेश पहला खिताब जीता है और विजेता रहा है भारत। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज यशस्वी जायसवाल भारत टूर्नामेंट सर्वाधिक 400 रन बनाए हैं। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिली है? यशस्वी जायसवाल टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिए हैं रवि बिश्नोई ने, भारत कितने लिए हैं? 17 विकेट। फिर आप देखेंगे श्रीलंका क्रिकेट टीम का भारत दौरा। तो भारत और श्रीलंका के मध्य 3 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई है 5 से 10 जनवरी 2020 की बात है। 3 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-0 से जीत ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे? नवदीप सैनी भारत के हैं। श्रृंखला में सर्वाधिक रन KL राहुल भारत 99 रन। ठीक है, फिर आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाली पहली टीम। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। 24 जनवरी 2020 को एक कारनामा हुआ है। यह उपलब्धि इंग्लैंड के जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच के दौरान हासिल हुई है। इंग्लैंड की टीम ने अपने 122वें टेस्ट मैच में यह कीर्तिमान स्थापित किया है। फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला भारत में संपन्न हुई है। कब? 10 से 19 जनवरी के मध्य हुई है। कहाँ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला भारत में संपन्न हुई है। कहाँ? भारत में। तो इसे याद रखिए, 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत ली है। श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से शिकस्त दी और विकेटों के लिहाज से भारत पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल भी की है। यहाँ भी कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। विजडन 2020 संस्करण क्रिकेट की बाइबल आप समझिए, इसे भी पॉइंट रखिए। क्रिकेट की बाइबल के उपनाम से प्रसिद्ध ब्रिटिश खेल पत्रिका विजडन क्रिकेटर्स अलमानेक का वार्षिक संस्करण 9 अप्रैल 2020 को प्रकाशित हुआ है। पत्रिका के 157वें संस्करण का आवरण पेस्ट विश्व कप क्रिकेट 2019 में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत को समर्पित किया है। तो आपको मालूम होगा कि विश्व कप 2000 क्रिकेट 2019 में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड जीता था पहली बार और न्यूजीलैंड पर जीत हासिल की थी। इस आवरण पेस्ट पर फाइनल मैच में सुपर ओवर की अंतिम गेंद पर इंग्लैंड के विकेट कीपर जोस बटलर द्वारा मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड को रन आउट करने की घटना को दर्शाया गया है। विजडन ने वर्ष 2019 के लिए द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को प्रदान किया है। किसे? बेन स्टोक्स को। कहां के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। 2019 के लिए द लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट खिलाड़ी एलिसी बेरी को प्रदान किया गया। 2018 से प्रारंभ विजडन के नए अवार्ड द लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2019 के विजेता वेस्ट इंडीज के हरफन मौला खिलाड़ी आंद्रे रसेल बने। विजडन वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2020 की बात करें, जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, सिमोन हार्मर दक्षिण अफ्रीका, मार्नस लबू सैन ऑस्ट्रेलिया, एलिसी फेरी ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं आपके। ठीक है, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 चौथा संस्करण शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ है। जनवरी 2020 की बात है। इसमें प्रतिभागी टीमों की बात करें तो 8 है। कौन कौन सी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने भाग लिया है। विजेता कौन रहा है? भारतीय वाणिज्य दूतावास और विजेता पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास, यानी कि आप विजेता और पाकिस्तान उपविजेता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शशिकांत सत्यशीलन भारतीय वाणिज्य दूतावास। ठीक, फिर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ था। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का भारत दौरा संपन्न कब हुआ? 6 से 22 दिसंबर 2019 की बात है। दौरे पर 3 T20 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए। 3 T20 3 एकदिवसीय आपके मैच खेले गए। T20 श्रृंखला की बात करें तो 6 दिसंबर 2019 के मध्य खेली गई 3 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत ली है। T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज द्वारा किए गए 208 रनों के लक्ष्य को आसानी से व्याप्त कर T20
अंतरराष्ट्रीय मैचों में रनों का पीछा करते हुए अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली भारत को मिली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिली है? हमारे जो क्रिकेटर आप जानते हैं विराट कोहली, सफल कप्तान है, इन्हें मिली है। एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें तो 15 से आपका 22 दिसंबर 2019 के मध्य खेली गई 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत की है। दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की ओर से कुलदीप यादव ने हैट्रिक ली है और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा भारत को मिली है। पर आप देखेंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ था 2019-20 में, तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत दौरा संपन्न हुआ है 3 से आपका 24 नवंबर 2019 की बात है। दौरे पर 3 2 टेस्ट और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं। T20 की बात करें अगर हम लोग, तो 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत ली है और प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली है दीपक चाहर भारत के। श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश ने भारत की को 7 विकेट से पराजित किया। यह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बांग्लादेश की भारत के विरुद्ध पहली जीत थी। श्रृंखला का दूसरा मैच रोहित शर्मा की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर का 100वां मैच था। रोहित 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय या महिला बने हैं, मतलब दोनों में से दूसरे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग यही याद रखना है आपको। इसे हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इससे जुड़े हुए कुछ और भी पॉइंट हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ना एक तरह से आपका फ्लो टूट जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट है। हरमनप्रीत कौर 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। श्रृंखला के तीसरे मैच में दीपक नाहर भारत ने 7 रन देकर 6 विकेट लिए है, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। वे T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय पुरुष गेंदबाज हैं। साथ ही यह T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। टेस्ट श्रृंखला की बात करें तो भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला गंगुली दुर्जय ट्रॉफी 2-0 से जीत ली है। ठीक है, टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच भारत ने पारी और तथा 130 रनों से जीत लिया। पहला टेस्ट मैच भारत का पहली बारी पारी में मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक यानी कुल 243 रन बनाए। मयंक ने अपने टेस्ट करियर में मात्र 12 पारियों में ही दोहरे शतक लगाने की उपलब्धि हासिल की है। इससे पूर्व विनोद कांबली भारत ने अपने टेस्ट करियर की 5वीं पारी में ही दूसरा दोहरा शतक लगाने का कारनामा किया था। कौन? विनोद कांबली ने। जबकि सर डॉन वेडमैन ऑस्ट्रेलिया ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक अपनी 13वीं पारी में लगाया था। अपनी इस पारी के दौरान मयंक ने कुल 8 छक्के लगाए, जो टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के। 22 से 24 नवंबर 2019 के मध्य कोलकाता की ईडन गार्डन में खेला गया श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच भारत में आयोजित प्रथम दिन रात्रि का टेस्ट मैच था। साथ ही यह दोनों टीमों द्वारा खेला गया पहला दिन और रात्रि का टेस्ट मैच भी था। भारत और बांग्लादेश क्रमशः 9वें और 10वें देश हैं जिन्होंने गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेला है, 9वें और 10वें। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिलाई? ईशांत शर्मा भारत के हैं, श्रृंखला में सर्वाधिक रन। मयंक अग्रवाल 257 भारत के हैं, श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट। उमेश यादव और ईशांत शर्मा दोनों आपकी 12 12 दोनों आप जानते हैं भारत के हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। विजन इंडिया अलमानेक 2019-20 विजन इंडिया अलमानेक 2019-20 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ है 14 नवंबर 2019 को। विजन इंडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019-20 में जसमीत बुमराह भारत की, स्मृति मंदाना भारत की, फखर जमान पाकिस्तान, दीमुत करुणा रत्ने श्रीलंका, रशीद खान अफगानिस्तान। तो जसमीत बुमराह भारत के हैं और स्मृति मंदाना भी भारत की इसमें शामिल की गई है। बाकी आप लोग याद रखना रखिए और इन्हें दो को याद रखिए जरूर। विजडन इंडिया हॉल ऑफ फ्रेम गुंडप्पा विश्वनाथ और लाला अमरनाथ दोनों भारत के। प्रशांत किदाम्बी की पुस्तक क्रिकेट कंट्री द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया टीम को विजडन इंडिया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुना गया। तो प्रशांत किदाम्बी की ये पुस्तक है क्रिकेट इन कंट्री द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया टीम। तो इस बुक को याद रखना है, इनके राइटर को याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। विजडन दशकीय समीक्षा 2010 से 2019 के बीच क्रिकेट जगत की प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन द्वारा 2 दिसंबर 2019 के अंत में दशकीय समीक्षा जारी की गई, जिसका विवरण निम्नता है। क्या है?
दशक के पांच सर्वश्रेष्ठ विकेट क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली भारत के शामिल हैं, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, एलिस एरी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर हैं, डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका और एवी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका, तो आपके भारत के भी शामिल हैं, विराट कोहली साहब इसमें शामिल हैं। विजडन द्वारा चुनी गई दशक T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल खिलाड़ी तो एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया कप्तान, कॉलिन मोरो न्यूजीलैंड, विराट कोहली इसमें भी चुने गए भारत के, सैन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, जॉस बटलर इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं, मोहम्मद नमी अफगानिस्तान, डेविड विली इंग्लैंड, राशिद खान अफगानिस्तान, जसमीत बुमराह भारत, लसित मलिंगा श्रीलंका। तो इसमें आपके देखेंगे कि विजडन द्वारा चुनी गई दशक की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल खिलाड़ियों की, तो इसमें आपके विराट कोहली शामिल किए गए हैं और जसप्रीत बुमराह भारत दोनों को शामिल किया गया है। विजडन द्वारा चुनी गई दशक की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल खिलाड़ी की बात करें, रोहित शर्मा भी शामिल है इसमें भारत के, डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली साहब शामिल है भारत के, एवी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के, जॉस बटलर इंग्लैंड के, महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल किया गया भारत के, साकिब उल हसन बांग्लादेश, लसित मलिंगा श्रीलंका, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड, डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका। तो रोहित शर्मा शामिल है, विराट कोहली भी शामिल है और महेंद्र सिंह धोनी बाद धोनी साहब भी शामिल हैं। फिर आपने देखा होगा कि विजडन द्वारा चुनी गई दशक की टेस्ट टीम में शामिल खिलाड़ी तो एली स्टेयर कुक इंग्लैंड के, डेविड वॉर्नर ए वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया, कुमार संगकारा श्रीलंका, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली इसमें विराट कोहली भारत कप्तान, बेन स्टॉक्स इंग्लैंड, एवी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका, रविचंदन अश्विन ये आप देखेंगे भारत, डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका, कगिसो रवाडा ये दक्षिण अफ्रीका, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड। तो याद रखिए इसमें रविचंदन अश्विन ये आपके भारत और विराट कोहली को सुना है। अभी आपने देखा है कि ऊपर से नीचे तक देखिए विराट कोहली सब जगह मौजूद रहेंगे, एक सफल एक तरह से क्रिकेटर कह सकते हैं आप लोग। विजडन द्वारा चुनी गई दशक की महिला टीम में शामिल की बात करें तो इसमें सूजी वेट्स न्यूजीलैंड, चार्लोट एडवर्ड्स ए इंग्लैंड, मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया, स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज, मैताली राज भारत, मैताली राज काफी आप लोग चर्चा में भी रही हैं, एलिसी पेरी ऑस्ट्रेलिया, सराय टेलर इंग्लैंड, डेन वन नी निक करक दक्षिण अफ्रीका, कैथरीन ब्रंट इंग्लैंड, सना मीर पाकिस्तान कप्तान और झूलन गोस्वामी भारत। तो याद रखना झूलन गोस्वामी को भी शामिल किया गया, मैथाली राज को भी शामिल किया गया। आजकल कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पता है अभी मैं देख रहा था कहीं किसी ने बताया मुझे पेपर कि मैथाली राज का संबंध किससे है, किस खेल से संबंधित है। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चंस भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आपको बस याद रखना होगा और आप आराम से मुझे लगता है सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। विजडन द्वारा चुनी गई दशक की आईपीएल टीम की बात करें तो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के हैं, रोहित शर्मा भारत कप्तान है, सुरेश रैना भारत के, विराट कोहली भी भारत के हैं, एवी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका, महेंद्र सिंह धोनी भारत, रविंद्र जडेजा भारत, सुनील नारायण वेस्ट इंडीज, लसित मलिंगा श्रीलंका, भुवनेश्वर कुमार भारत, जसमीत बुमराह भारत और 12वां खिलाड़ी है ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज। आप सोचिए विराट कोहली को हर जगह जगह दी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक से दो बार देखिए आप लोग, देखिए खेल वाला परिदृश्य और निकल जाइए, मुझे लगता है ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी पुरुष क्रिकेट टीम का भारत दौरा, तो दक्षिण अफ्रीकी पुरुष क्रिकेट टीम का भारत दौरा संपन्न हुआ है, ये 15 सितंबर से 23 अक्टूबर 2019 की बात है। दौरे पर तीन T20 खेले गए और तीन टेस्ट मैच खेले गए। T20 की बात करें तो तीन अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की श्रृंखला एक एक से बराबर रही है, क्या रही, एक एक से बराबर रही है। श्रृंखला में सर्वाधिक रन 131 बनाने वाले क्विंटन डी कॉक दक्षिण अफ्रीका को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। टेस्ट श्रृंखला की बात करें तो फ्रीडम ट्रॉफी तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से जीत लिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा भारत, श्रृंखला में सर्वाधिक रन रोहित शर्मा 529, श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट रविचंदन अश्विन भारत 15 विकेट। याद रहे कि फरवरी 2013 से अक्टूबर 2019 के दौरान भारतीय टीम ने स्वदेश में खेलते हुए लगातार 11वीं टेस्ट श्रृंखला में जीत हासिल की, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया टीम ने स्वदेश में लगातार 10 टेस्ट श्रृंखलाओं में जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया था। पुणे में खेला गया श्रृंखला में दूसरा टेस्ट मैच विराट कोहली का बतौर भारतीय कप्तान 50वां टेस्ट मैच था। इस शतक की पहली पारी में दोहरा शतक
254 रन लगाने के साथ ही विराट टेस्ट क्रिकेट के में कुल 7 दोहरे शतक हो गए हैं। इसके साथ कोहली टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। टेस्ट मैचों में एक पारी में 72 कप्तान 250 या उससे अधिक रन बनाने वाले विराट पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। फिर आप देखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 प्रतियोगिता का 11वां संस्करण हुआ है 8 नवंबर से 1 दिसंबर 2019 के बाद। फाइनल मैच का आयोजन हुआ है लाल भाई कंट्रेक्टर स्टेडियम सूरत में। विजेता रहा है कर्नाटक 1 रन से, दूसरा खिताब है इसका कर्नाटक का, और विजेता रहा है तमिलनाडु। महिला बिग बैश बैश लीग 2019-20 तो 5वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है 18 अक्टूबर से 8 दिसंबर 2019 के मध्य। प्रतिभागी टीम रही है 8 और विजेता रहे बेन हीट 6 विकेट से, दूसरा खिताब है, और विजेता रहे एडिलेड स्ट्राइकर्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइन एडिलेड स्ट्राइकर्स हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन सोफी डिवाइन एडिलेड स्ट्राइकर्स 769 रन। देवधर ट्रॉफी 2019-20 47वां संस्करण रांची झारखंड में संपन्न हुआ 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 के बाद। विजेताओं की बात करें तो इंडिया बी 51 रन से कप्तान पार्थिव पटेल, उपविजेता की बात करें इंडिया सी रही कप्तान इसके कौन थे, सुभवन गिल थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 18वीं संस्करण का फाइनल एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में संपन्न हुआ है ये 25 अक्टूबर 2019 की बात है। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें कर्नाटक 4था खिताब जीता है, विजेता कप्तान है इसके मनीष पांडे, उपविजेता की बात करें तमिलनाडु कप्तान है इसके दिनेश कार्तिक। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिमन्यु मिथुन कर्नाटक के थे। फाइनल में अभिमन्यु मिथुन ने हैट्रिक प्राप्त किए। इस प्रतियोगिता के दौरान 12 अक्टूबर 2019 को खेले गए ग्रुप ए के मैच में संजू सैमसन केरल ने गोवा के विरुद्ध 212 रनों 129 रनों गेंदों में पारी खेली है। विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर है। साथ ही यह लिस्ट एक क्रिकेट में किसी विकेटकीपर बल्लेबाज द्वारा बनाया गया उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर है। अब कई लोग कहेंगे कि देखिए पढ़ते जा रहे हो कुछ समझा नहीं रहे हो। देखिए इसमें समझाने लायक मुझे खुद नहीं लगता है कि क्या समझाऊं। अगर आप सोचिए कि इसमें भी समझाने की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है आपकी स्थिति बहुत बुरी है, समझ रहे हैं? तो ये आप लोग 1 से 2 बार देखिए और निकल जाइए। एसीसी महिला इमर्जिंग टीम्स इंडिया कप श्रीलंका में संपन्न हुआ है 22 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य। प्रतिभागी टीमें रही हैं भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश ने भाग लिया था 4 टीमों ने। विजेता भारत रही है और विजेता श्रीलंका रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे, हर्षिता मदावी श्रीलंका को मिला है। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा भी रहा है। दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा संपन्न हुआ है 20 सितंबर से 4 अक्टूबर 2019 की बात है। दौरे पर 3 एक दिवसीय और 6 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। T20 श्रृंखला की बात करें 6 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों की श्रृंखला भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3-1 से जीत ली है। श्रृंखला का दूसरा और तीसरा मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया था। श्रृंखला के पहले मैच में भारत की ओर से शैफाली वर्मा ने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में पदार्पण किया है। शैफाली 15 वर्ष 239 दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बन चुकी हैं। याद रहे कि इससे पूर्व वर्ष 1978 में गार्गी बनर्जी ने 14 वर्ष 165 दिनों की आयु में महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय प्रतिनिधित्व किया था गार्गी बनर्जी ने। टी20 श्रृंखला के अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 105 रनों से शिकस्त दी, जो रनों के लिहाज से महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की सबसे बड़ी पराजय थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो दीप्ति शर्मा साहब को मिला है भारत की। एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें तो 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से अपनी नाम की है। आप कहिए पड़ोसी नहीं है, हमारी महिलाएं भी आप देखिए क्रिकेटर जो भी हैं वो भी अच्छा स्कोर कर रही हैं। श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से शिकस्त दी। यह एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय महिला टीम द्वारा लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाया गया स्कोर सर्वोच्च स्कोर है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो मैरी जैन कैप दक्षिण अफ्रीका को मिला है, ठीक है, एक दिवसीय श्रृंखला में। और यहाँ प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिली थी, दीप्ति शर्मा को भारत। फिर आपने सुना होगा कि एसएज श्रृंखला 2019 ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के मध्य एसएल श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई 1 अगस्त से 16 सितंबर 2019 के मध्य। एसएल श्रृंखला 2019 ड्रा 2-2 की बराबरी पर हुई है और इसमें पहले वर्ष 1972 में एसएल श्रृंखला ड्रा रही थी। तो याद रखिए 2019 में ड्रा रही है और 1972 में भी ड्रा रही थी।
गत विजेता होने का कारण ऑस्ट्रेलिया ने इससे ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। इस श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन तथा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। श्रृंखला में सर्वाधिक रन स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 774 रन और श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया 29 विकेट। श्रृंखला का दूसरा मैच डरा रहा था। इस मैच में एम्पायर अलीम डार पाकिस्तान ने स्टीव बनकर वेस्टइंडीज के टेस्ट क्रिकेट के सर्वाधिक 128 मैचों में एम्पायरिंग के रिकॉर्ड की बराबरी की है। इस मैच में आईसीसी के एक नए नियम कनकसन सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी क्षेत्र रक्षण के अलावा बल्लेबाज अथवा गेंदबाज भी कर सकेगा के आधार पर मार्नस लाबुसेन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बने। श्रृंखला के तीसरे मैच में इंग्लैंड की पहली पारी मात्र 67 रनों पर सिमट गई, जो वर्ष 1948 के बाद से ऐसे श्रृंखला में इंग्लैंड का न्यूनतम स्कोर है। पांचवें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ ने 80 रन बनाए। ऐसे श्रृंखला 2019 में लगातार छठा अवसर था जब स्मिथ ने 50 रन से अधिक श्रृंखला में स्कोर बनाया। इसी के साथ स्मिथ किसी एक टीम के विरुद्ध लगातार 10 पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। याद रहे कि ऐसे श्रृंखला 2019 से पूर्व वर्ष 2017-18 की ऐसे श्रृंखला में स्मिथ ने लगातार 4 पारियों में 50 से अधिक स्कोर किया है। पर आपने सुना होगा दलीप ट्रॉफी 2019-20 प्रथम श्रेणी क्रिकेट की इस प्रतियोगिता के 98वें संस्करण का फाइनल एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में हुआ है। तो याद रखिए एम चिन्ना स्वामी आपका स्टेडियम कहाँ है, बेंगलोर में है, ठीक है। 4 से 8 सितंबर 2019 के मध्य हुआ है। विजेता रहा है इंडिया रेड दूसरी बार और उपविजेता रहा है इंडिया ग्रीन। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन करुण नायर 375 रन इंडिया रेड। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट अक्षय वाखरे 14 विकेट इंडिया रेड ने। विजेता टीम के कप्तान पेंग पंचाल और उपविजेता टीम के कप्तान रहे फैज फजल थे, ठीक है। चलिए तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी क्लास नहीं रख रहे हैं, लास्ट में आपका एक उपलब्ध करवा दूंगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्रिकेट तक हम लोग देख चुके हैं, फुटबॉल से हम लोग आगे बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास और लूं और पूरी खत्म कर दूं, ठीक है। उसके बाद आप फ्री हो गए, आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है आप लोग समझते हैं, आप लोग पढ़िए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। आप मिलता हूँ।